गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बी एस सी सेकेंड ईयर. इन लास्ट लेक्चर वी डिड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट. उसमें मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट में आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सैल्यूटेशन लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है और ओल्ड और न्यू मेथड दोनों बताए थे. प्लस आपको उसमें बायोडाटा अपना इंक्लूड करना है बिकॉज आप पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो पोस्ट के लिए एप्लीकेशन में आपका साथ में बायोडाटा होना ज़रूरी है. सो दैट जो भी आपको रिक्रूटर्स हैं, जो भी आपको रिक्रूट करेंगे, वो आपका बायोडाटा देख सकें और उसी से वो छांट सकें कि कौन से बच्चे अच्छे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रेसी. प्रेसी राइटिंग इज इन आवर सिलेबस, सेक्शन ए का पार्ट है प्रेसी राइटिंग. प्रेसी का मतलब क्या है? प्रिसाइज. प्रिसाइज क्या होता है? वेरी क्लियर, है ना, और बहुत छोटा सा करके बता देना. सो जो वर्ड प्रेसी है ये फ्रेंच नाउन का के बराबर है. इसका मतलब है प्रिसाइज, है ना. इंग्लिश एडजेक्टिव, इंग्लिश में जो एक एडजेक्टिव लिया जाता है प्रिसाइज, प्रिसाइज होता है क्लियर. इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, टू कट शॉर्ट. बहुत बड़ी चीज़ है ना, उसको शॉर्ट कर देना. मतलब मैं आपको सारे दिन कोई लेक्चर देती रहूँ, पढ़ा करो ये इसलिए तुम्हें जॉब मिलेगी, तो इसकी एक ही लाइन बोल दें कि पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे. क्या हो गया? एसेंस हो गया पूरे लेक्चर का. एसेंस हो गया मतलब निचोड़ हो गया, मतलब जिस्ट हो गया, GIST. सो प्रेसी इज द जिस्ट ऑफ द गिवन पैसेज. कोई गिवन पैसेज है उसका आपने एसेंस निकालना है, निचोड़ निकालना है. ये समरी नहीं होती, ये नहीं है आपको उसको समराइज करना है. नहीं, समराइज नहीं करना है. अब क्या है, प्रेसी को करना कैसे है? जब आपको कोई पैसेज दिया हुआ है उसे एक दो बार रीड करिए, अच्छे से उसे समझने की कोशिश करिए और उसमें से जो पॉइंट्स हैं उनका रफ एक ड्राफ्ट बनाइए. उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते रहिए और उसमें कोहरेंस लेके आने की कोशिश कीजिए, ऑर्डर लेके आने की कोशिश कीजिए कि जो पहली बात की है, दूसरी बात की है, तीसरी बात की है, वो ऑर्डर में हो. प्लस इसमें आपने कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं करनी, जो इन्होंने दिया है वही आपको, उसको ही एसेंस उसी का निकालना पड़ेगा, है ना. नो नीड टू ऐड एनीथिंग न्यू, नथिंग शुड बी एडेड. वही चीज़ हो गया कि राइटर की साइड से जो राइटर ने लिखा है पैसेज में वही रहेगा, आप अपनी साइड से कुछ नहीं ऐड करेंगे. जो लैंग्वेज है वो भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज को रिपीट मत करिए, है ना. जो एक चीज़ आपने बोल दी है उसको दोबारा दोबारा मत लिखिए. और क्या है, इसको कंप्लीट करिए. ये ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रेसी का मतलब क्या होता है, प्रेसी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा पैसेज दिया है उसको फुल रीड करने की ज़रूरत ना पड़े. आपका 5 लाइनों में आपने उसका एसेंस निकाल दिया, सिर्फ वो पढ़ के रीडर को सब कुछ क्लियर हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रेसी. एंड प्रेसी में क्या होता है, जो आपका पैसेज दिया है उसका 1/3 आप देख लीजिए कितना बनता है, 1/3 आपको लिखना होता है. और इसमें बातों को रिपीट नहीं करना है, अपने आप कुछ भी ऐड नहीं करना है, शॉर्ट वर्ड्स हैं नहीं लिखने हैं, फुल लिखने हैं. प्लस इसमें क्या होता है, जो आप कह सकते हैं कि प्रेसी में जो फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट नहीं हम करेंगे, इसे आप पैसिव लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा. पैसिव लैंग्वेज में लिखिए. और इसमें क्या है, टाइटल और हेडिंग. देखो प्रेसी राइटिंग में ना टाइटल के मार्क्स अलग से होते हैं, बच्चे काफ़ी भूल जाते हैं उसकी टाइटल देना या हेडिंग देना. और टाइटल और हेडिंग या तो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा या आपको बिल्कुल एंड वाली लाइन में मिलेगा. तो आप टाइटल या हेडिंग है वो ज़रूर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. टाइटल या हेडिंग, टाइटल शुड बी फुली एक्सप्रेसिव, पूरे आपका पैराग्राफ है उसको एक्सप्रेस करता हो. जो टाइटल है वो ओपनिंग सेंटेंस में या फिर लास्ट में होता है. सुटेबल हेडिंग देनी चाहिए, है ना, ताकि जो आपका पैसेज है उसको वो पूरी अच्छे से टक्कर दे रही हो, उसी से पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है. हेडिंग शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, हेडिंग एक वर्ड की नहीं होनी चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, एक प्रोवर्ब नहीं होनी चाहिए और उसमें एक्सक्लेमेटरी या इंटरोगेटरी साइन वाली भी नहीं होनी चाहिए. तो आप कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज अ मिरेकल, इस तरह का आपका हेडिंग होना चाहिए. अगर कंप्यूटर पे है और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये कर देता है, हमें पता है ये कंप्यूटर क्या क्या कर देता है, तो कंप्यूटर इज अ मिरेकल ऐसे आप लिख सकते हैं. इस तरह की आप हेडिंग्स बना सकते हैं. मैंने अकेला कंप्यूटर नहीं लिखा, है ना, कंप्यूटर इज अ मिरेकल पूरा लिख दिया, ना तो मैं इसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ना ही ये प्रोवर्ब है.
ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है। तो इस तरह से आपकी हेडिंग होनी चाहिए। और जो गुड प्रेसी है उसके और काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, क्या हैं कि सारे पॉइंट्स हैं कवर होने चाहिए। लेंथ उसकी 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल मैसेज से। इसको थर्ड पर्सन में राइट किया जाए, भाई मैं बोल रही हूँ फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना है, पैसिव सेंटेंस लिखना है, लाइक इट इज़ सीन इन द वर्ल्ड, लाइक इट इज़ ड्रीम, इट इज़ ड्रीम्ड, है ना, ये सपना लिया जाता है, इट इज़ सेट, ये कहा जाता है, इट इज़ हर्ड, है ना, इट इज़ फाउंड। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन नहीं लगाना है, जैसे आई या फिर वी, ये चीज़ें नहीं लगानी हैं। वी फिर भी कॉमन है, पर फिर भी वी को कोशिश करिए कि अवॉइड करिए। वी इज़ कॉमन जेंडर एंड इट कैन बी यूज, वी यूज़ हो सकता है, पर आई नहीं यूज़ करना है, दे नहीं यूज़ करना है। वी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ना वी जब बोलते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग द ऑल द पीपल इन जनरल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कुछ एक ग्रुप है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, इसमें क्लैरिटी फुल होनी चाहिए। और क्या है, आपकी हेडिंग है एक्सप्रेसिव और सुटेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, हेडिंग आपको आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, है ना, आपका इंटरोगेटिव मार्क वाला नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, प्रोवर्ब नहीं होनी चाहिए, एक वर्ड नहीं होना चाहिए, जिसे कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर एज अ मिरेकल भी कह सकते हैं, हैं, ठीक है, इस तरह से आपका बन सकता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं, थॉट्स को रिपीट नहीं करना है, इसको एक्सीड नहीं करना है, 1/3 ही लिखना है, लैंग्वेज आपकी ओरिजिनल पैसेज की नहीं यूज़ करनी है, है ना, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड करो, चेंज करो। और इलस्ट्रेशंस, सिमिलीज, मेटाफर, कोटेशंस नहीं देनी है, स्लैंग्स, एब्रीविएशंस, फॉरेन एक्सप्रेशंस नहीं यूज़ करने हैं। और आपने कोई खुद से भी कोई कमेंट नहीं देने, मान लो एजुकेशन पे आ जाता है, एजुकेशन पे हम सभी अपने अपने कमेंट दे देते हैं, जो पैसेज में लिखा है सिर्फ आपको उसी को उठाना है, खुद के कमेंट्स नहीं आने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज योर प्रेसी राइटिंग, होप यू पीपल नो हाउ टू राइट। हम एक दो प्रेसी राइटिंग करेंगे भी बाय टुमोरो, मैं आपको जो दो तीन प्रेसी राइटिंग है, जैसे कल नेक्स्ट वीडियो, तीन वीडियो कम से कम बना दूंगी जिसमें मैं आपको प्रेसी को कैसे लिखना है वो चीज़ बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये चीज़ें आपको फ्यूचर में भी हेल्प देंगी। और इन चीज़ों को प्लीज़ रेगुलरली वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।